क्या हाल चाल यार। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बेबीज यानी इंसानी बच्चे सिर्फ दो तरीके के डर को ही समझ सकते हैं। जब वेन वी आर स्मॉल, जब हम इन्फेंट्स होते हैं, हम सिर्फ दो तरीके के डर समझ सकते हैं। पहला होता है फियर ऑफ फॉलिंग, यानी कि इनडायरेक्टली कहें तो फियर ऑफ हाइट्स, गिरने का डर। और दूसरा होता है फियर ऑफ लाउड नॉइजेस, यानी शोर का डर। पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती है ना, हम लोग ऐसे ऐसे डर एक्वायर करते हैं, एंड आई गेस एक्वायर इज द राइट वर्ड फॉर इट, जिसको डिस्क्राइब करना भी, आई मीन जिन काइंड ऑफ फियर्स को डिस्क्राइब करना भी काफी मुश्किल है। अच्छा, जब हम 13 14 15 साल की उम्र में होते हैं, तो ये वो टाइम होता है जब हमारे पर निकलना शुरू होते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लोग हमें पसंद हैं, जिनको हम आइडलाइज करते हैं, जिन्हें हम एडमायर करते हैं, हम उनकी तरह चलना, बोलना, कपड़े पहनना, ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, तो जो लोग अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, लाइक देर आर पीपल लाइक मी हु आर टेरेबल एट इट, तो वो लोग बैट्समैन बनने की कोशिश करते हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ देम, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट मोस्ट ऑफ देम सब बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो सचिन की स्ट्रेट ड्राइव कॉपी करते थे। जो लोग अच्छा गाते थे, वो अपने फेवरेट सिंगर को कॉपी करने की कोशिश करते थे। मेरे एक फ्रेंड था, उसको जॉन सीना पसंद था, तो ही यूज्ड टू एक्ट लाइक दैट, एक्ट लाइक हिम। तो बट धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगती हैं। अच्छा, आपने जब अगर एक आपने एक नॉर्मल चाइल्डहुड जिया है, अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास सेम चाइल्डहुड अगर आपका रहा है, तो आपने कभी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि यार मैं ना बड़े होके उस बैंक के पीओ जैसा बनूंगा, या फिर मैं ना उस सपोर्ट प्रोजेक्ट में सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट पे जाऊंगा, या फिर मैं बड़े होके एमबीए की डिग्री लूंगा और ऐसी जॉब पकड़ूंगा जिसके जॉब डिस्क्रिप्शन और मेरे काम के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। बाय दिस आई डोंट मीन टू डिमीन एनीथिंग और एनीवन, बट ऐसा आपने किसी को बोलते हुए सुना नहीं होगा। बट समहाउ इयर्स लेटर वी आर एट दैट सेम प्लेस। इसका रीजन क्या है? अच्छा, आपने माइक टायसन के बारे में सुना ही होगा। माइक टायसन वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग बॉक्सर आई गेस एवर, मेरे हिसाब से। और वो अपने बॉक्सिंग के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल, लाइफ चॉइसेस और अपने एक्शंस के लिए भी काफी फेमस थे। मेरा तो आउटसाइड इज बॉक्सिंग, जब वो एक अपने अपोनेंट का कान ही काट गए थे, दैट वाज फनी। नॉनवेज आई गेस, या सो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, माइक टायसन ने दो बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स बोली थी। आई गेस इट वाज लाइक कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड ऑन द फेस। तो वैसी चीजें हमारे साथ भी होती हैं कि सभी सब कुछ अलग करना चाहते हैं, बट देन सडनली यू नो लाइफ हिट्स या ऑब्स्टेकल हिट्स, और उसके बाद पता चलता है कि आप कितने शिद्दत से उस चीज को पाने की कोशिश करते थे। तो अब उसके बाद भी जब आप एक कंफर्टेबल पोजिशन में पहुंच जाते हैं, देन देयर इज दिस फियर, ये डर है। और मेरे हिसाब से दिस फियर इज द बिगेस्ट क्राइम जो हम लोग खुद के अगेंस्ट कमिट करते हैं। ये जुल्म हम अपने आप पे कर रहे हैं। और अगर हम ह्यूमैनिटी को टोटैलिटी में देखें, दैट राइम्स, तो एक्चुअली हम ह्यूमन काइंड के अगेंस्ट क्राइम कमिट कर रहे हैं। एंड द फियर आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस डर की बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज द फियर ऑफ स्टार्टिंग आउट, यानी कि कुछ अलग स्टार्ट करने का डर। अच्छा, अगर ये एक मेन कैरेक्टर होता ना, तो इसके दो साइड किक्स होते हैं फियर ऑफ स्टार्टिंग आउट के। पहला था कुछ तो लोग कहेंगे, एंड आई एम टेरेबल एट सिंगिंग एंड माई वॉइस आई नो वॉट इट साउंड लाइक, बट लोगों ने मुझे कहा है मैं स्टिल जीती हूँ। मेन पॉइंट ये है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा सपोर्टिंग पिलर है जो हर जगह यूज हो जाता है, हर काइंड ऑफ फियर के साथ ये मुफ्त आता है। तो यार लोग तो तब भी कहेंगे अगर आप शांत हो, अगर आप बोल रहे हो, अगर आप सीधा चलते हो, आप टेढ़ा चलते हो, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, लोग तो कहेंगे। तो सोचने वाली बात ये भी नहीं कि यार अगर लोगों को कुछ कहना ही है, तो कुछ करा जाए ऐसे जिसके बाद लोग कुछ कहें, वोंट इट बी बेटर। दूसरा होता है फियर ऑफ परफेक्शन, जो दूसरा साइड किक है। यानी जब हम चीज स्टार्ट करते हैं, सपोज मैं जिम जा रहा हूं, तो फिर मेरा रेफरेंस पॉइंट सीधा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर होगा और उनकी लाइफस्टाइल होगी, उनकी बॉडी होगी। मैं ये नहीं देखूंगा कि बीच में प्रोसेस क्या थी, सारी प्रोसेस गई साइड में अल्टीमेट गोल। और इस चक्कर में आधे से ज्यादा लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। दिस इज एक्चुअली वॉट हैपन्स आई फील। और जब मैं इसको भी स्टार्ट कर रहा था, आई वॉज लाइक कि यार लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, बट भाई सब लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं, नो बडी केयर्स। आई मीन इट इज योर ओन वॉइस दैट इज स्पीकिंग इन साइड योर हेड, एंड इसकी वजह से कई लोग स्टार्ट नहीं कर पाते। अच्छा, जो लोग हु स्टिल हैव टाइम ऑन देयर साइड, अगर स्टार्ट भी करते तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, दैट इज फाइन, राइट? आई मीन फ्यूचर में जाके एमबीए के इंटरव्यूज दोगे, तो वहां पे भी तो कुछ कहानी बनानी है, अपने सीवी में कुछ तो बनाना होगा कि ये यूनिक हमने किया है, बिकॉज बाकी सब तो कॉमन ही है ना। तो
जस्ट स्टॉप बीइंग अ क्रिमिनल, जस्ट स्टार्ट डूइंग स्टफ, बी नाइकी एंड विद दैट आई टेक योर लीव, जस्ट स्टार्ट डूइंग स्टफ, डोंट बी अ क्रिमिनल.